को हासिल करने का तुम्हारा और तुम्हारी माँ का जो ख्वाब है ना, वो पूरा नहीं होगा। क्या सिखाया अपनी बेटियों को? ऐसी तरबियत दी है कि जहाँ कोई अमीर लड़का देखो फांस लो उसको। हम तो दोस्त थे ना, हम तो एक दूसरे को कुछ भी कह सकते हैं। किरण, तुम लोगों ने मुझे मजबूर कर दिया, वरना मैं ऐसा नहीं था। इस रविश पे लाने में सबसे बड़ा हाथ तुम्हारा भी है। राजी तो मेरे अभी भी नहीं थे तैमूर, उन्हें पहले इतना बुरा तजुर्बा हो चुका है जोया की शक्ल में। उन्होंने मुझे एक चांस दिया था और तुम्हारे घर वालों ने वो भी गारत कर दिया। मजदूर लीडर गिरफ्तार हो चुका है, उसके बावजूद फैक्ट्री सील होने वाली है। मैनेजर के फोन पे फोन आ रहे हैं, कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है। इसके अलावा और भी मसाइल हैं। पापा, मसाइल तो हैं, लेकिन उनका कोई ना कोई हल निकालना जरूरी भी तो है, वरना मैं खुद को बैंकरप्सी डिक्लेयर करना पड़ेगा, जिसका सिर्फ और सिर्फ मतलब है कंप्लीट डेथ। जब से तुम्हारी जोया से शादी हुई है, मेरी तो किस्मत ही मुझसे रूठ गई है। इस सब का मेरी शादी से क्या ताल्लुक है? आपने खुद किरण की शादी के लिए ये इन्वेस्टमेंट की थी, शायद भूल रहे हैं। पता है मुझे, जानता हूं मैं, लेकिन अब क्या किया जाए? अब जो आप कर सकते हैं वो क्यों नहीं कर रहे? क्या? अगर हम 4 से 5 साल के लिए इस घर को मॉर्गेज कर दें, तो हम आसानी इस सिचुएशन से निकल सकते हैं। घर पप्पू के नाम ही रहेगा और उनको डॉक्यूमेंट्स भी वापस मिल जाएंगे। मेरी आपा मुझे कभी मना नहीं करेंगी, वो मकान के कागजात फौरन मेरे हवाले कर देगी। लेकिन नहीं, ये बात करने से पहले मुझे डूब के मर जाना चाहिए। पापा प्लीज, आप ऐसी बातें मत सोचे। आज तक मैंने अपनी बहन के लिए किया ही किया है, मेरे दोनों बेटों ने मुझे दगा दिया है, और अब मैं अपनी बहन से उसकी छत भी छीन लूं? पापा, मैं आपसे छीनने की बात नहीं कर रहा। 5 साल, सिर्फ 5 साल की बात है, और फिर कागजात भी तो वापस मिल जाएंगे। नहीं, अगर किरण का रिश्ता तुमसे हो चुका होता तो मैं ये बात पापा से कर सकता था, लेकिन अब नहीं कर सकता। तो ठीक है बाबा, फिर आप अपनी ये फैक्ट्री और उसके साथ अपने जुड़े इस गुरूर से हाथ धोने के लिए तैयार हो जाए। ना रहेगा बांस और ना बचेगी बांसुरी। वो 2 कौड़ी का शख्स मेरा गिरेबान पकड़ने वाला था। डैड, क्या हो गया? क्या होना है, हिम्मत देखो उसकी। अपने घर से निकालने वाला था मुझे। संगीता, डैड के लिए पानी लाओ। Just let it go, जमाल। Let it go for what? सिर्फ तुम्हारी कन्विंसिंग की वजह से गया था मैं, वरना मुझे पता है कि कितना बड़ा इडियट है मेरा बेटा। रख लो यहां पर और जाओ प्लीज, जैसे इसकी चॉइस होगी। आई न्यू दैट। साशा अपनी फैमिली की तरह नहीं है डैड, उसे प्लीज। यू शट अप, शट अप तैमूर जमाल। वो डिफरेंट है तो क्या हुआ, उसके बाप को देखो, ब्लडी फूल। गुरूर देखा उसका तुमने? मुझे समझ में नहीं आ रहा, आपको साशा से मसला है या उसके पापा से? मुझे उसके पूरे फैमिली से मसला है, पूरे खानदान से मसला है, अनकल्चर्ड लोग। वुड यू अग्री और नॉट? आपने भी थोड़ा सा एग्जैजरेट किया है। आई मीन, उसके फादर के साथ बैठती है, आपने अजीब अजीब बातें करना शुरू कर दी। ओह, सो नाउ इट्स माय फॉल्ट, राइट? इट्स माय फॉल्ट। डैड, मॉम के कहने का मतलब है कि आपको ठंडे दिमाग से बात करनी चाहिए थी। और उन्हें उन्हें अपने मेहमानों से कैसे बिहेव करना चाहिए था? एक बात तुम सब कान खोल कर सुन लो, इस घर में आइंदा से उस लड़की का नाम कोई नहीं लेगा। एंड तैमूर साहब, आपको उसे भूलना होगा एंटायरली एंड कंप्लीटली। डैड, यू आर बीइंग सो क्रूल टू योर सन। लेट हिम लीड हिज लाइफ। रियली? एम आई? लेट मी बी हिज डैड फॉर वंस। हमें डैड के बगैर ही जाना चाहिए था वहां। अब क्या फायदा, ये आइडिया तुम्हारा और साशा का ही था ना। मैंने कब से कह रही हूँ मैं तुम्हारे साथ अकेले चली जाती हूँ।
I'm sorry, Mama. लेकिन प्लीज डैड को हैंडल कर दें। अब बड़ा मुश्किल हो गया। थोड़ा वक्त गुजरने दें, शायद वो खुद ठीक हो जाए। लेकिन मैं इस मसले को ड्रैग नहीं करना चाहता यार। देखो ये सिचुएशन तुम्हारे सामने है, पहला इंप्रेशन तुम्हारे बाप के ऊपर बहुत बुरा पड़ा है, अब तुम्हें थोड़ा सब्र से ही काम लेना होगा, समझे? जस्ट रिलैक्स। आपने खुद किरण की शादी के लिए ये इन्वेस्टमेंट की थी, शायद भूल रहे हैं। अब जो आप कर सकते हैं वो क्यों नहीं कर रहे? अगर हम 4 से 5 साल के लिए इस घर को मॉर्गेज कर दें तो हम आसानी इस सिचुएशन से निकल सकते हैं। घर पप्पू के नाम ही रहेगा और उनको डॉक्यूमेंट्स भी वापस मिल जाएंगे। तो ठीक है बाबा, फिर आप अपनी ये फैक्ट्री और उसके साथ अपने जुड़े इस गुरूर से हाथ धोने के लिए तैयार हो जाओ। ना रहेगा बांस और ना बचेगी बांसुरी। वक्त वक्त की बात है यार, और मेरा इस वक्त बुरा वक्त चल रहा है, इसलिए जॉब का बोल रहा हूं, तो प्लीज बताना मुझे। ओके बाय। हसन बेटा। जी बाबा। एक मशवरा है, जॉब तलाश करने के बजाय तुम अपने किसी दोस्त से लोन ले लो चंद महीनों के लिए, हम वापस कर दें। बाबा जितना बड़ा अमाउंट हमें चाहिए उतना तो हमें कोई बैंक लोन नहीं दे रहा, तो दोस्त क्या देंगे? अगर आप समझते हैं कि आपको बासानी मकान के डॉक्यूमेंट्स आपको दे देंगी तो आपको देर के बगैर उनसे बात करनी चाहिए, और आपके अलावा तो वो किसी की बात मानेंगी भी नहीं। बेटा वो मेरी आपा है, उससे बहुत प्यार करती है, जैसे उन्हें पता चलेगा मैं किसी मुसीबत में फौरन उठ खड़ी हूं। लेकिन अब लेकिन वेकिन कुछ नहीं, आप चलें, हम दोनों चलकर बात करते हैं उनसे। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं हसन, वो अब भी तुमसे नाराज है, तुम छोड़ो, मैं खुद बात करूंगा आपा से। वो मेरी मां की जगह है, बेफिक्र रहो, आज तक उन्होंने मेरी कोई बात नहीं डाली। अब मैं आया। हेलो हसन, गरम गरम खाना ले। नहीं किरण, मुझे भूख नहीं है, अभी जोया आने वाली होगी, मैं उसके साथ ही खाऊंगा। जोया पता नहीं कब तक आएगी, तुम भूखे रहोगे क्या? मैं निकाल देती हूँ। तुम खुद से क्यों अज्यूम कर लेती हो सब कुछ? मैंने कहा ना मुझे भूख नहीं है, प्लीज। जब भी मैं घर से बाहर जाती हूँ तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं वापस नहीं आऊंगी? हसन की फिक्र करना छोड़ दो। क्या बात है सोया, तुम कुछ अपसेट लग रही हो, बताओ मुझे। हाँ जावेद, तुमने बुलवाया? जी आपा, बैठ। पापा वो एक बहुत जरूरी बात करनी है आपसे। अगर किरण के रिश्ते की बात करनी है तो ना तो मैं कोई बात करूंगी
और ना ही कोई बात सुनूंगी। मेरी बिन बाप की बच्ची पहले बहुत कुछ सह चुकी है। पापा, मैंने किरण को हमेशा बाप की शफकत दी है। जावेद, इस बात को छोड़ो, जो बात करनी है वो करो। पापा, आप जानती हैं, कुछ अरसे से फैक्ट्री बिल्कुल बंद है। सिर्फ 5 साल के लिए बंगले के कागजात अगर मिल जाए तो लोन मिल जाएगा बैंक से। मैं आपको 5 साल बाद वापस कर दूंगा। वाह जावेद वाह, तो ये बात है। अरे, मेरा और किरण का जो वाहिद सहारा है तुम वो भी छीनना चाहते हो हमसे? गजब खुदा का। अरे, कागजात मांगने से पहले तुमने इतना भी नहीं सोचा कि आखिर हम माँ बेटी के पास सिवाय इस बंगले के और है क्या? जावेद, मैंने तुम्हारे कहने से शादी की और तुम्हारी ही मर्जी पर मैं अपना शोहर छोड़कर तुम्हारे पास आकर बैठ गई। किस लिए? एक बच्ची की माँ थी ना, बेटी का साथ था ना। पापा, मैंने हमेशा आपको इज्जत दी है। अपनी इज्जत अपने पास रखो जावेद। तुम्हारी बातों से मुझे अच्छी तरह से अंदाजा हो गया है कि तुमने मुझे और मेरी बेटी को कहीं का नहीं छोड़ा। जानते हो, थोड़ी देर पहले वो तुम लोगों की बातों से दिल बर्दाश्त होके क्या करने जा रही थी? खुदकशी करने जा रही थी। क्या? हाँ, उसे तो मैंने संभाला। अगर मैंने उसे जबरदस्ती ना रोका होता ना, मेरी बच्ची इस दुनिया से जा चुकी होती। और तुम कागजात मांग रहे हो? पापा, वापस कर दूंगा। यकीन मानिए, बहुत मजबूर होकर आपसे कहा है। और तुम्हारी नियत ये तो सिर्फ मेरा अल्लाह ही जानता है। अरे, मुझे आश्रय में रखते रखते बहू घर में आ गई और अब कागजात मांग रहे हो। सारी प्लानिंग समझ में आ गई है मुझे। पापा, ये क्या कह रही है? ठीक कह रही हूँ जावेद, मैं अपना खूंटा कमजोर नहीं कर सकती। और वैसे भी मुझे तुम्हारी बात का कोई भरोसा नहीं। पापा, अरे कुछ पता नहीं। और वैसे भी भैया मेरा तो कोई बेटा है नहीं। कैसी बात, मैं आपके लिए कम हूं क्या? मुझे आपसे ये तवक्को नहीं थी। तो जिससे तवक्को थी ना, उसी के पास जाओ अर्जी लेकर। अरे, मैंने सारी जिंदगी तुम्हारे कहने पर गुजार दी और मुझे बदले में क्या मिला? ये मिट्टी का घर। मैं अपनी छत किसी को नहीं देने वाली जावेद, किसी को नहीं। जानता हूं, इसीलिए तो नहीं चाहता हूं कि किसी कुएं में गिरे। बाप के तौर पे मेरा फर्ज भी है और छोटे लोगों के साथ रहकर जो है ना, सोच भी छोटी हो जाती है आदमी की। लेकिन एक बात समझ ले, उसे आपके फर्ज या ड्यूटी से कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो अपनी आजाद और इंडिपेंडेंट जिंदगी गुजारना चाहता है बस। और आजकल तो बच्चों के साथ जबरदस्ती भी नहीं आप कर सकते। उसे तो आपके बिजनेस में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट हो या ना हो,
इंटरेस्ट लेना पड़ेगा उसको, और उस लड़की को भी भूलना पड़ेगा। ये आप इम्पॉसिबल सी बातें क्यों कर रहे हैं? मैं जानती हूँ आप उसके साथ सिंसियर हैं, आप उसके फादर हैं, लेकिन अभी वो इन बातों को समझने के लिए तैयार नहीं है। अभी इसके सर पे सिर्फ उस लड़की का भूत सवार है। उसे समझना होगा। आप इसको इसके हाल पे क्यों नहीं छोड़ देते? Never. He's my son. तैमूर की सोचने, समझने, काम करने की सलाहियतें बिल्कुल खत्म हो चुकी हैं। उस लड़की ने इसको कहीं का नहीं छोड़ा। आप पता नहीं क्यों उम्मीदें लगाए बैठे हैं उसके साथ। अगर इससे हमने जबरदस्ती की तो ये हमें छोड़ के चला जाएगा। रुसीना, रुसीना, उसका भला चाहता हूं। I know. आप तैमूर की जगह मायरा को क्यों नहीं ले जाते? मायरा को बजाय बेटी समझने के उसको बेटा समझ ले, उसको अपने बिजनेस में शामिल करें, उसको ऑफिस लेके जाएं, बिजनेस समझाएं, इसको अलहदा से एक कमरा दें ताकि ये आपका हाथ बटा सके, आपको सपोर्ट कर सके। आखिर बेटियां हैं जो आखिर में अपने माँ बाप का ख्याल रखती हैं। ठीक कह रही हो तुम। लेकिन रुसीना, रुसीना, I can't lose my son. You're not going to lose your son. वो कहीं भी नहीं जाएगा, वो हमारे पास ही रहेगा। बल्कि अगर आपने मायरा को चांस दिया तो हो सकता है वो ये सोचे कि डैड अपनी जिद से हट गए। मैं सोचता हूँ इसके बारे में। ट्रस्ट मी। प्लीज आंटी, संभाले खुद को। क्या संभालू बेटा, शाम तक बिल्कुल ठीक ठाक थे, ये अचानक तबीयत खराब हो गई। कारोबारी मिसाल ने तो उनकी जान अजाब में कर दी है, देखो ना किस हालत को पहुंच गए वो। आंटी आप प्लीज खुद को संभाले, मुझे यकीन है अंकल बहुत स्ट्रांग है, बहुत विल पावर है उनके अंदर, वो इस मुश्किल से बहुत आसानी से निकल आएंगे। बेटा दूसरों की फिक्र में घुलते घुलते ना उन्होंने अपने आप को खोखला कर लिया, और फिर कारोबारी मसाइल ने तो उनकी जान को ही आ गया ये तो। आंटी आप फिक्र ना करें, आप यकीन रखें अल्लाह ताला पे। आप बस बैठे, मैं आपके लिए नाश्ता लेके आती हूँ, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया? नहीं बेटा मैंने कुछ नहीं खाना, ना मुझे पीना है, बस अल्लाह करे वो ठीक हो जाए। आंटी ऐसे कैसे चलेगा, आप प्लीज हौसला करें। हसन आपको यूं टूटता हुआ देखेगा तो वो भी बहुत परेशान होगा। प्लीज एक से एक आफत आती जा रही है, तुम ऐसे करो ना बेटा वो मंसूर को फोन करके तो बता दो। आंटी अभी डॉक्टर को तो आने दें, वो तो हमें बता दें अंकल को हुआ क्या है। मैं बिला वजह मंसूर भाई को कॉल करके परेशान नहीं करना चाहती। नहीं इतनी फिक्र नहीं है उसे हमारी, इतनी फिक्र करने वाला होता तो किरण हॉस्पिटल में आई हो, किसी फार्म हाउस में नहीं। वैसे अल्लाह की पनाह, मुझे नहीं पता था कि जावेद का दिल इतना कमजोर होगा। कागजात ना देने पे उसे तो दिल का दौरा ही पड़ गया, लेकिन एक बात है, दिलों के हाल वो मेरा खुदा जानता है। मेरी नियत ये नहीं थी, मेरा दिल बिल्कुल साफ था। देखो मेरी वजह से वो इस हाल को नहीं पहुंचा। तो बोले ऐसा बोले कहीं हसन ना सुन रहे हमें। अरे तू तो मेरी बात ही नहीं सुन रही है, तुझे अभी भी हसन की पड़ी है खुदा का नाम ले। अब तो मेरे भाई के बारे में सोच ले। आपको क्यों समझ नहीं आता, वो दोनों सामने बैठे मैं देख रही हूं। किरण अरे मुझे तो खौफ खाए जा रहा है, जावेद जब ठीक होकर घर आएगा तो अरे उसे तो सब कुछ पता चल जाएगा।
ऐसा ना हो कि हमसे बदसन हो जाए। मेरी बात सुनिए, अभी फिक्र नहीं करें, तब की तब देखी जाएगी। अरे तुझे क्या पता, हर तरफ सोचना पड़ता है। खैर तुझसे तो कोई उम्मीद नहीं है मुझे, बस अल्लाह से ही उम्मीद है। अगर वो घर आया ना और हमसे बदजन हो गया तो हम दोनों किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे, और कैसे रहेंगे हम उस घर में। चुप कर रहे हैं, घर हमारा है, उनका नहीं है। ये बात आप भूल गई है क्या? हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। और मेरी बात सुने, आप सिर्फ अल्लाह अल्लाह करें, बेवकूफ नहीं है वो, आपके चेहरे पे पड़ लेंगी। जी फरमाए। हसन हाय, अंकल की तबीयत कैसी है? मैं एक्चुअली तुम्हारे मोबाइल पे फोन करने वाला था, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं बनी, मुझे लगा शायद तुम बुरा मान जाओगे। हसन ये झूठ बोल रही है, ड्रामे कर रही है। मैंने खुद देखा था, अंकल ऊपर सीढ़ियां चढ़ रहे थे, इनसे मिलके आए थे। मुझे यकीन है इन्होंने कुछ कहा होगा, तभी उनकी तबीयत इतनी खराब हो गई। हम दोनों मिलके सब ठीक कर देंगे, तो मेरी सब ठीक हो जाएगा। सोया, सब कुछ रेत की तरह हाथ से फिसल रहा है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा। इट्स ऑल माय फॉल्ट, मुझे मामा से मॉर्गेज की बात करनी ही नहीं चाहिए थी। हसन ऐसा मत सोचो, सब ठीक हो जाएगा। सलाम बेटा, कैसे बेटे जावेद साहब, तबीयत कैसी उनकी? पापा उनकी कंडीशन थोड़ी क्रिटिकल है अभी। बेटा फिक्र नहीं करो, तुम हौसला करो, अल्लाह सब बेहतर करेगा। अल्लाह अपने पसंदीदा बंदों ही का इम्तिहान लेता है ना। लो भाई, बस इन्हीं की तसल्लियों की कमी रह गई थी। थैंक यू अंकल, मैं डॉक्टर से बात करके आता हूँ। डॉक्टर साहब कैसा है जावेद? डॉक्टर साहब बोले कैसे हैं बाबा? देखिए इन्हें हाई ब्लड प्रेशर और ट्रामा की वजह से स्ट्रोक का हमला हुआ। मेरा भाई, नहीं, क्या हो गया? पहला अटैक था, इसलिए खुद को संभाल ना सके, पैरालाइज हो गए बाबा। अरे मेरे भाई को लगभग मार गया, क्या वो सारी जिंदगी के लिए बिस्तर नशीन हो जाएगा? अरे मेरे वाला, ये क्या हो गया? अरे किस चीज की सजा मिल रही है हम लोगों को? अरे कितना मेरा भाई, मेरा भाई। अभी नाश्ता कर लें। नहीं बेटा, अब थोड़ा आराम करने दो। और अभी आपने रात से कुछ नहीं खाया, इस तरह तो आपको वीकनेस हो जाएगी। अच्छा रख दिया ना, खा लूंगा मैं। याद से खा लीजिएगा, ओके? हेलो, सलाम अलैकुम मामू, कैसे हैं आप? तबीयत ठीक है आपकी? परेशान तो नहीं हो रहे अकेले में? बस बैठे, परेशानियों ने तो जानो कि हमारा घर देख लिया है। कल सोया के ससुर को स्ट्रोक हो गया। अच्छा, मैं आता हूँ फिर, अभी आता हूँ मैं। डैडी आने की जरूरत नहीं है बेटे। अच्छा ये अम्मी से बात करें। हाँ, मैं तो रात से ही आपके बारे में सोच रही थी, आप फिक्र नहीं करें। मैंने रात ही दो चार रिश्ते वालियों से साशा के रिश्ते की बात की है। मुमताज, क्या हो गया इन हालात में? तो भाईजान आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें, सब ठीक हो जाएगा।
आपने पहले भी जोया के रिश्ते की जिम्मेदारी मुझे दी थी ना, जो मैं नहीं कर पाई। लेकिन अल्लाह सब बेहतर करेगा। अब देखिएगा, साशा के रिश्ते की जिम्मेदारी मेरी है। आप अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। अच्छा, खुदा हाफिज। जावेद, देख तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। अरे मैं तो अपने मालिक की तरह मैं सुबह शाम तुम्हारे लिए दुआएं मांग रही हूँ, और मुझे पूरा यकीन है, मुझे यकीन है कि मेरा रब मेरी दुआओं को रद्द नहीं करेगा। तुम देखना, तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। अरे अपने पाँव पे खड़े हो जाओगे, ठीक हो जाओगे। इधर आ बेटा, देख देख तेरे मामू साहब तुमसे कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी आओ जल्दी। अरे तुम्हें दुआएं देना चाह रहे हैं। हाँ हाँ, जल्दी आ जाओ, मामू साहब से दुआएं ले। हाँ मेरी बच्ची, आप ठीक हो जाएंगे मामू साहब, इंशाल्लाह बहुत जल्दी आप ठीक हो जाएंगे। जावेद, तुम्हें पता है मैं तुम्हारी सेहतियाबी के लिए ना 11 नफिल पढ़ती हूँ रोज, और सात मस्किनों को खाना खिला रही हूँ। तुम देखना मेरे भाई, तुम देखना, तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। ये क्या कर रही हैं आप तीनों? क्यों, अब क्या कर दिया हम लोगों ने? पप्पो, अंकल बीमार है, उन्हें रेस्ट की जरूरत है इस वक्त। खुदा के लिए ये रोना हंगामा तो उनके सामने मत करें ना। फजीला आंटी, मैंने अभी आपको समझाया कि हौसले से काम ले, अंकल और परेशान होंगे ऐसे। अरे तुम्हारा कौन सा खून का रिश्ता है जावेद के साथ? अरे हमारा खून का रिश्ता, अरे हमारा कलेजा चन्नी हुआ है, तीर तो हमारे दिल पे चले, तुम्हारे दिल पर थोड़ी। अरे मेरी बच्ची का सरपरस्त है ये, अरे तुम क्यों रोओगे, तुम्हें क्यों तकलीफ होगी, हम रोएंगे ना। पापा प्लीज, क्या कहना चाह रही हो तुम? हाँ बोलो। अरे देखो जरा किस तरह से बोल रही है। ओए मेरा भाई, जी जी हाँ ठीक है, लेकिन मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, करता हूँ थोड़ी देर में बात। जी फरमाए। हसन हाय, अंकल की तबीयत कैसी है? मैं एक्चुअली तुम्हारे मोबाइल पे फोन करने वाला था, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं बनी, मुझे लगा शायद तुम बुरा मान जाओगे। अब तो मेरे नंबर पर कॉल करो या फिर जोया के नंबर पर, बुरा तो लगना ही है। हसन मुझे पता है अभी तुम परेशान हो, इसलिए मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता। अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की जरूरत हो तो तुम मुझे फोन कर सकते हो। किरण, मैं मामू साहब को ऐसे नहीं देख सकती। बाबा ठीक हो जाएंगे, तुम परेशान मत हो, ठीक हो जाएंगे बाबा, कुछ नहीं होगा। क्या बात, सोया मामू ठीक हो जाएगा ना मेरे? तुम्हारा फोन, मैं कैंटीन से कुछ लेकर आता। एक बात तुम सब कान खोल कर सुन लो, इस घर में आइंदा से उस लड़की का नाम कोई नहीं लेगा। एंड तैमूर साहब, आपको उसे भूलना होगा इंटायरली एंड कंप्लीटली। तैमूर, क्या बात है, तुम्हारी तबीयत तो बिल्कुल सही नहीं लग रही। जो कुछ हो चुका है उसके बाद कोई कैसे ठीक रह सकता? मुझे समझ नहीं आ रही, तुम्हारे हक में मैं जो भी बात करती हूँ वो सुनने को तैयार ही नहीं है। I don't know why उनके दिल में
तुम्हारे लिए नफरत क्यों है? कि तो मुझे भी नहीं पता, जब मामा जिंदा थी तब तो वो ऐसे नहीं थे। तुम अपने आप को विक्टिम मत समझो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। और वैसे भी माँ बाप घबरा जाते हैं जब पसंद की बात आती है ना। आप भी तो माँ हैं, आप तो नहीं हुई अपसेट? अगर आप ना होती तो वो मुझे घर से ही निकाल देती। कैसे निकाल देती? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अच्छा मुझे बताओ, तुम्हारी साशा से कोई बात हुई? साशा तो मुझसे सख्त नाराज है, कोई बात करने के लिए तैयार ही नहीं है। जो कुछ उस दिन उसके घर पे हुआ, कैन आई ब्लेम हर? दिल छोटा मत करो, थोड़ी सी स्पेस दो, तुम देखना वक्त आने पे सब सही हो जाएगा। और वैसे भी ऐसे जिद करते रहोगे ना तो दोनों मान जाएंगे। थैंक यू सो मच मामा। यू वेलकम, नाउ चीयर अप। क्या सिखाया अपनी बेटियों को? ऐसी तरबियत दी है कि जहां कोई अमीर लड़का देखो फांस लो उसको। खबरदार जो तुमने इनका नाम भी मेरे सामने लिया कभी, मेरा मरा हुआ मुंह देखो। हसन, कोई दिल में बात है तो कह दो, मुझे नहीं पता कमाल की क्यों कॉल आई थी। बाबा की खैरियत मालूम करने के लिए कॉल की थी। मुझे ऐसे शख्स का जिक्र करने से भी कोफ तो थी। I'm fine. मैं आंटी के पास जा रही हूँ, इस वक्त मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहती। सोया, मैं ठीक हूं। किसकी नजर लग गई मेरे घर को, ये बैठे बिठाए क्या हो गया? जावेद की ये हालत मुझसे देखी नहीं जा रही। आंटी प्लीज, हमें हिम्मत से काम लेना होगा, कोई मोजा भी तो हो सकता है ना इंशाल्लाह। हाँ मैं, हमें हकीकत पसंदी से सोचना होगा। बेटा सोचे तो कैसे सोचे, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं तो खुद को नहीं संभाल पा रही, तुम ऐसे करो मुझे हॉस्पिटल ले चलो। आंटी वो आईसीयू में है इस वक्त और वहाँ रात रुकने की इजाजत नहीं है। अम्मी प्लीज, आपको मेरी और बाबा की खातिर अपने आप को संभालना होगा। आंटी प्लीज, हमें हिम्मत से काम लेना होगा। अरे जोया कैसी बातें कर रही हो तुम, ये बेचारी कैसे संभाल सकती है अपने आप को? अरे मेरा मासूम भाई, मेरा अकलौता भाई, दुनिया का नेक शरीफ ईमानदार, अरे बहन से बेइंतहा मोहब्बत करने वाला। अरे मैं सोचती हूँ ना तो मेरा तो दिमाग की नसें फटने लग जाती है। क्या हो गया मेरे भाई को, या अल्लाह मेरे भाई को ठीक कर दे। पप्पो, बाबा अभी सही सलामत है, जिंदा है, उन्हें कुछ नहीं हुआ है। अरे अल्लाह सलामत रखे मेरे भाई को, लेकिन मैंने भी दुनिया देखी है। मैं बता रही हूँ तुम्हें हसन, मेरे भाई की हालत ठीक नहीं है। अरे मेरा है ही कौन उसके सिवाय, मेरी तो माँ बाप बहन भाई सब वही है। पापा की कल शाम आप ही से बात हुई थी ना, उसके बाद उन पर अटैक आया, जाने से पहले उनसे मेरा डिस्कशन हुआ था। ऐसी क्या बात हुई आप दोनों के बीच में, बताएं? हाँ आया तो था वो मेरे पास, लेकिन जावेद उस वक्त तो बिल्कुल ठीक ठाक था, और तो और पुरानी बातों पे मजाक कर रहा था।
और फिर अचानक से कहने लगा कि मुझे नींद आ रही है। लेकिन हसन, ये सब तुम क्यों पूछ रहे हो मुझसे? अरे क्या तू अपनी पप्पा में शक कर रहा है? हाँ, मुझसे क्या पूछ रहे हो? इससे पूछो ना, इससे पूछो। यही थी उसके पास। सीने की होगी कोई जबान दराजी। क्या मतलब है आपका? आपको लगता है अंकल की इस कंडीशन की जिम्मेदार मैं हूँ? पप्पो, जोया कहाँ से बीच में आ गई? आप लोग कभी भी कुछ भी किसी को बोल देते हैं। जो बात है वो तो मैं जरूर बोलूंगी। अरे मेरे जाने के बाद इसका सामना जावेद से हुआ था, पूछो इससे। ठीक कह रही हूँ या नहीं? हुआ था कि नहीं? बिल्कुल नहीं। जब वो मुझे नजर आए थे तब उनकी तबीयत ऑलरेडी खराब हो चुकी थी। पता नहीं उन्हें क्या हो रहा था। मेरा भाई बिल्कुल ठीक ठाक था। अरे हसन, फजीला क्या हो गया तुम्हें? तुम किसकी बातों में आ रहे हो? इस लड़की की बातों में? अरे जब जावेद इसकी शक्ल देखता था ना तो उसका गुस्सा बढ़ जाता था। अरे कितनी दफा तो मैंने अपने भाई को अपने हाथ से दवाई दी है ब्लड प्रेशर की। इसकी वजह से हुआ है सब कुछ। यही कसूरवार है, यही जिम्मेदार है। पापा, मान लो मेरी बात। मेरे भाई को स्ट्रोक इस लड़की की वजह से हुआ है। यही जिम्मेदार है, इसी का किया धरा है। पापा, ब्लड प्रेशर तो उन्हें पहले से था। अरे जानती हूँ मैं, था उसे ब्लड प्रेशर, लेकिन पहले वो हर चीज का मुकाबला कर लिया करता था। अरे ऐसा तो नहीं था मेरा भाई जो उनसे अब हो गया ये सब कुछ। अरे क्यों नहीं मानते, इसी का किया धरा है। हसन, ये झूठ बोल रही है, ड्रामे कर रही है। मैंने खुद देखा था, अंकल ऊपर सीढ़ियां चढ़ रहे थे, इनसे मिलके आए थे। मुझे यकीन है इन्होंने ही कुछ कहा होगा, तभी उनकी तबीयत इतनी खराब हो गई। तुम्हें ना पहले दिन से पसंद नहीं करते थे, कहीं बदला तो नहीं लिया तुम्हें घर से निकाले जाने का? अरे इसने बदला लिया मेरे भाई से, भड़ास निकाली है इसने, जिसे मेरा भाई बर्दाश्त नहीं कर सका। जिससे फिक्र होती है ना वो अल्लाह से दुआ मांगता है। मोहब्बत के दावे करना तो बहुत आसान है, मोहब्बत करना मुश्किल है। सुना तो बहुत था, आज देख भी लिया। अंकल जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं और आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं? तो फिर गलत इल्जाम क्यों लगा रही हो? For God's sake, बस करें आप लोग। वैसे ही मैं इतने हार्ड टाइम से गुजर रहा हूं, कहीं ऐसा ना हो मेरा भी हाल बाबा जैसा हो जाए, यही चाहते हैं आप लोग? अरे तुम तो मेरे बेटे हो, ऐसी बातें मत करो, तुम्हें अल्लाह सलामत रखे। अरे बेटा मेरा तो कलेजा ही बढ़ जाएगा। पप्पा प्लीज, मुझे अच्छी तरह पता है कि मैं किसका बेटा हूं।